उत्तर प्रदेश की लिस्ट में प्रमोद तिवारी जैसा नाम गायब हो जाना। प्रमोद तिवारी राज्यसभा के सदस्य, कभी भी कोई भी सरकार हो, प्रमोद तिवारी हर जगह एडजस्ट रहते थे, लेकिन इस बार प्रमोद तिवारी का हट जाना, सलमान खुर्शीद का आ जाना, ये जो नई लिस्ट है, इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? मीडिया मास्टर संजय भाई, पूज्य भारत रत्न राजीव गांधी जी के जन्मदिन पर बड़ी शानदार कमेटी खड़गे जी ने दी है। और बात अब बिल्कुल ठीक है, आपने जो आपने शब्द कहे बिल्कुल ठीक है। मैं प्रमोद जी पे आऊंगा, बड़े भाई पे आऊंगा, लेकिन मैं ये एक बात बता दूं आपको मीडिया मास्टर, ये मैंने आपके चैनल पर कई बार कहा और आज फिर कह रहा हूं, अखिलेश यादव के नाम उत्तर प्रदेश फिर से लिख दिया गया, गांव गांव पांव पांव, वो जो फाट स्वभाव क्या क्या सभा, उसका हम आपको उदाहरण दिए देते हैं। ये खावरी एक एक बीएसपी का अध्यक्ष नहीं था कांग्रेस में, उत्तर प्रदेश का, उत्तर प्रदेश 80 सीटों वाला वो है, आपने बहुत चिंता व्यक्त की है। नसीमुद्दीन भी तो थे, नकुल दुबे भी तो थे, खावरी तो अब चीफ अध्यक्ष थे। और फिर मैं आपको बता रहा हूं कि अखिलेश 126 सीटों वालों पर खड़गे जी दिखा करेंगे, एक सीट रमाशंकर रसड़ा वाली सीट पर और खड़गे जी को मैंने आपसे निवेदन किया कई बार कि हिमाचल और कर्नाटक जीतने के बाद खड़गे जी दलित नेता राष्ट्रीय बन चुके हैं, और खड़गे जी के दलित नेता रहते देश के, अब उत्तर प्रदेश में उनको एक सीट वाली मायावती की जरूरत नहीं है, जिसमें जहां पर 100% नाक मौ वाली बात है कि अरे ये नहीं तो वो नहीं, यहाँ कम से कम जब कुछ होता है तो अखिलेश यादव बोलते तो हैं, वो जब भी जब कुछ कितना बड़ा वो हुआ अविश्वास प्रस्ताव में, मायावती बोल तो नहीं रही है ना। इस समय इंडिया डॉट 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 को बोलने वालों की जरूरत है, चुप रहने वालों की जरूरत नहीं है। और चुपने के बाद सब जानते हैं कि मायावती अंत में घी का थाली का घी बीजेपी में ही गिरेगा। इसलिए मुझे लगता है राहुल गांधी और खड़गे जी ने साफ साफ समझ लिया, और इसका ये वो है अजय राय का तुरंत आना, खाबरी का एकदम पहली बार ऐसा हुआ है कि साल भर नहीं हुआ भाई निकल लिए, उसके बाद भाई रो भी नहीं पा रहे ठीक से। अगर ऐसी बात ना होती, अब वन टू वन मुकाबला हो गया है। अब आइए इस पे, भाई साहब कमाल है, सलमान खुर्शीद के अलावा और कोई है ही नहीं सीडब्ल्यूसी में, भाई सीडब्ल्यूसी में नहीं है, परमानेंट इनवाइटी में नहीं है, एक्स ऑफिशियो में नहीं है, जनरल सेक्रेटरी में नहीं है, इंचार्ज की तो कोई बात ही नहीं है, इन चारों बड़ी लिस्ट होती है उसमें कहीं नहीं है। अब आप समझिए कि कितनी बड़ी बात। अब बात आई इस पे, देखिए राजीव शुक्ला को का कुछ मान ले, दो ही नाम आए हैं इसमें, एक नाम आया है सलमान खुर्शीद का और एक नाम राजीव शुक्ला का आया है। अब राजीव शुक्ला को आप दिल्ली का मान लें, बम्बई का मान लें, क्रिकेट का मान लें, उत्तर प्रदेश का मान लें और पीएससी का मान लें, वो अपना वो आलू है। अब मामला ये बात, सबसे बड़ी बात इसमें इमरान प्रतापगढ़ी नहीं है, और ये जो बहुत व्याकुल भारत थे, ये आपके स्वामी कौन से कल की स्वामी क्या नाम उनका, प्रमोद कृष्णन जी, वो नहीं है प्रियंका के, वो नहीं है भाई, आप वो देखिए, वो नहीं है पयल पुनिया, नहीं है इमरान प्रतापगढ़ी, नहीं है इस तरीके से आप देखा जाए, और ये आपके प्रमोद तिवारी नहीं है। अब प्रमोद तिवारी को मुझे लगता है कि जैसे मीडिएटर होते हैं, जैसे मैनेजर होते हैं, जैसे पॉलिटिकल बड़े राजदूत होते हैं ना, देश विदेश के राजदूत होते हैं, जो बड़े लोग होते हैं, मुझे लगता है राहुल और खड़गे की टीम ने इनको इस तरीके से राजदूत की स्थिति में ला दिया है। अब देखिए राजस्थान से कई साल के लिए वो है ही है, राज्यसभा है ही है, और इसमें कोई कहने की शक ही नहीं, देश जानता है कि प्रमोद तिवारी बहुत ही एक शानदार और एक शानदार वक्ता है। अब 24 चुनाव में वक्ता के रूप में नहीं आए हैं तो किस रूप में आए, ये बात की बात है। अब मैं ये जानना चाह रहा हूँ, इस समय पर लाख चर्चा हो रही है कि ईरानी के सामने राहुल फिर से आएंगे 55,000 से हारे हुए, और अजय अजय के राय के आने के बाद प्रियंका की चर्चा बहुत जोर पर चुकी थी, वो बाराबंकी बारा से लड़ेंगी, और मुझे लगता है कि ऐसा शायद संभव होने वाला है, ऐसा शायद। अब उसमें जो चीजें आ रही है वो सामने आ रही हैं। अब प्रमोद तिवारी की मुझे लगता है भूमिका वो बनाई गई है कि ये शानदार वक्ता तो देश के है ही है, हालांकि ये बात बड़ी है, ये इसमें थे अभी इससे पहले वाली में, अब नहीं है। अब इनकी भूमिका वो बन रही है जो मुझे लगता है, जैसे राजदूत होता है ना, राजदूत जब कभी बातें फंसती हैं किसी पॉलिटिकल लेवल पर, किसी
या किसी और तमाम राजनीति में तमाम सिस्टम होते हैं, तो उसमें हमें लगता है कि बिना किसी आधिकारिक घोषणा के प्रमोद तिवारी छुपे उसमें, एक रॉ के नहीं होते, रॉ के लोग, तो रॉ के लोग के रूप में कांग्रेस के रॉ बन गए हैं। तो अब इनको या तो बनाया गया या उनको भूमिका दी गई है, या क्योंकि इनके सब में संबंध है, सब जानते हैं, जितनी पार्टियां हैं, जैसी पार्टियां हैं, उद्योगपतियों में भी है, सब में है, और तमाम जो क्षेत्र हैं उनमें भी है, तो इन सब में, अब इस सब में और लोग नहीं वो हो सकते थे, खाने खांचे में बैठ सकते थे, तो इन्हें लगता है इन्हें फ्री होल्ड दिया गया है, फ्री होल्ड प्लाट के रूप में इनको रॉ बना के, पॉलिटिकल रॉ बना के, खड़गे का रहा, राहुल गांधी का रहा, और इनका ईडी, इनकी ईडी, प्रियंका गांधी की ईडी, इसके रूप में ये पॉलिटिकल मार करेंगे, पॉलिटिकल गठजोड़ करेंगे, पॉलिटिकल बातें करेंगे, पॉलिटिकल तमाम चीजें होंगी, हो सकता है कि वो माया, तमाम चीजें हैं। तो मुझे उनको भूमिका इस रूप में अभी दिख रही है, क्योंकि उनके उनके अपने संबंध है ही है, और संबंध कहाँ कहाँ पर, ये पूरा खड़गे जी से लेके और जो वार्ड अध्यक्ष देश का कांग्रेस का, वो सब जानता है, तो मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कुछ हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है। मयूर जानी जी, गुजरात में बीजेपी में बड़ी घमासान मची थी, नंबर टू के नेता ने इस्तीफा दे दिया था। अब ये जो नई वर्किंग कमेटी आई है, इसमें गुजरात के प्रतिनिधित्व को लेके और पूरा टोटल सीनियरों पे आपकी क्या राय है पूरी वर्किंग कमेटी पे, मयूर जानी? संजय भाई, यहाँ जो है कुछ आश्चर्य है मेरी, आज कांग्रेस के कुछ प्रदेश के बड़े नेताओं से बात हुई, जो अभी उनका मैं नाम नहीं दे पाऊंगा क्योंकि उनको, उन्होंने जो कहा है वो फिर वो पार्टी की डिसिप्लिन के खिलाफ हो जाएगा, तो बेचारे परेशान हो जाएंगे। वो दो तीन चीज से उनको बड़ा वो मतलब वो लगा है। एक ये कि जगदीश ठाकुर जो कि अभी अभी उनको प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर से निकाला गया, गुजरात में जो 2022 में जो हार हुई उसका पूरा ठीकरा जो है हार का वो फोड़ा गया जगदीश ठाकुर पर। और मजे की बात यह है कि उन्होंने जो संगठन की रचना की थी, 75 जितने सेक्रेटरीज और 25 उपाध्यक्ष ये बनाए थे उन्होंने गुजरात प्रदेश में, वो सब वैसे के वैसे हैं, पर हार का जिम्मा सिर्फ उन पर अकेले पर डाल दिया गया और उनको निकाल दिया गया। तो अगर इतना बड़ा, अगर वो खुद अकेले जिम्मेदार होते तो फिर वो सीडब्ल्यूसी में क्या कर रहे हैं जहां उनका चयन हुआ है, ये कोई समझ नहीं पा रहा, ठीक है। और दूसरी बात की जो दीपक बावरिया है, वो दीपक बावरिया 2018 में अगर आपको याद होगा तो मध्य प्रदेश के प्रभारी हुआ करते थे, वो बड़ी कोशिश में थे इस बार के उनको गुजरात प्रदेश का अध्यक्ष बनने का मौका मिले। दीपक बावरिया साहब जो है वो एक एनजीओ भी चलाते हैं, उनका वैसे बेसिकली संगठन में इतना कोई बड़ा पकड़ है नहीं, लेकिन क्योंकि वो बहुत करीबी माने जाते हैं अभी भी राहुल गांधी के, तो यहाँ कानाफूसी वही है कि अभी भी जो है मतलब कि गुजरात की ओर कांग्रेस जो है वो ठीक से देख नहीं रही है। मुझे एक नेता ने आज ऐसा कहा, मैं वर्ड टू वर्ड कह रहा हूँ, उन्होंने कहा कि मयूर भाई पता नहीं क्या गुजरात को लेकर ऊपर जो हाईकमांड है वो क्या सोच रही है। बोले यहाँ भारतीय जनता पार्टी की जो नाभि है वो गुजरात है, वो नाभि भेदने का काम अगर करना होगा तो यही करना होगा, और वो लोग पता नहीं क्यों कुछ इतना ध्यान दे नहीं रहे हैं, और जिनको ले भी गया अभी सीडब्ल्यूसी में तो उनको बिठा के वहां पे क्या भला कर लेंगे गुजरात का और गुजरात कांग्रेस का, ये हमको समझ में नहीं आ रहा है।